मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लास 8 चैप्टर 1 दैट इज रेशनल नंबर। तो हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से, जिससे आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट अप विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4 और ऐसे चलते जाते हैं। होल नंबर्स के अंदर ज़ीरो भी आ जाता है। ज़ीरो नंबर्स प्लस नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो जाते हैं। रेशनल नंबर्स, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो एक ऐसा नंबर जिसे पी अपॉन क्यू, यानी कोई से भी दो नंबर्स वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड रेशनल नंबर, वो हो जाता है रेशनल नंबर। इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स मिलाकर इंटीजर्स बन जाते हैं। नेगेटिव नंबर जैसे कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ये सारे मिलाकर इंटीजर्स बन जाते हैं। रेशनल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी होती है ज़ीरो, क्योंकि अगर कोई भी नंबर ज़ीरो से ऐड किया जाएगा, जैसे 25 + 0 = 25, 6 + 0 = 6, तो किसी भी नंबर को अगर हम ज़ीरो से ऐड करते हैं तो वही नंबर आंसर आ रहा है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स इज़ 1, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को, जैसे 25 × 1 = 25, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आंसर आता है। तो ये हो गई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर, 1 होती है, और एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर 0 होती है। अब एडिटिव इनवर्स या फिर नेगेटिव किसी भी नंबर का, तो 6, अब 6 का नेगेटिव या फिर एडिटिव इनवर्स होगा उसको उल्टा, यानी -6 upon 2। तो अब इसका नेगेटिव कैसे करेंगे, माइनस और ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख देंगे यही -6 upon 2। अब माइनस से माइनस कट गया तो 6 upon 2, ये हो गया एडिटिव इनवर्स 6 upon 2 का। अब -9 upon 16, तो माइनस यहाँ लगाएंगे, -9 upon -16, ये दोनों माइनस कट गए तो -9 upon 16 आ गया एडिटिव इनवर्स -9 upon -16 का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल किसी भी नंबर का, तो 7 upon 2, तो अब इसे हम डिनोमिनेटर ऊपर कर देंगे, न्यूमरेटर नीचे कर देंगे, तो 2 upon 7। 1 upon 2, तो अब 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे बचेगा 1, तो अगर किसी का भी डिनोमिनेटर 1 होता है तो उसे सिंपल ही रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8, अब 8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 8 के नीचे अपॉन 1 तो है ही, तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे अपॉन 8। 21 upon 1, तो 1 upon 21, ये हो गए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।